नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बोर्ड एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लगभग हम सभी के साथ परीक्षा के वक्त यह होता है कि हम उन प्रश्नों का उत्तर भी नहीं लिख पाते जिसका जवाब हमें पता होता है, और ऐसे में वह प्रश्न हमारे हाथ से चला जाता है। इसका प्रमुख कारण होता है समय का अभाव। हम अपने परीक्षा में टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अपने बोर्ड एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करें, अपने परीक्षा में समय को कैसे मैनेज करें, इसके लिए हम आपको इस वीडियो में कुछ आसान टिप्स बताने वाले हैं, जिसे अप्लाई करके आप अपने बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेज कर सकते हैं। हम आपको सारे टिप्स पॉइंट टू पॉइंट देने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे है 15 मिनट पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें। दोस्तों उत्तर लिखने से पहले बोर्ड ने 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। यह 15 मिनट का मतलब प्रश्न पत्र को पूरी तरह से पढ़ना और उसी के हिसाब से रणनीति तैयार करना होता है। तो प्रश्न पत्र को शांति से पढ़ें और अपनी रणनीति पहले ही तैयार करें। किसी भी प्रश्न में आपको कितना समय देना है और किस प्रकार उत्तर आपको लिखना है, यह आपको पहले सोचना होगा। इसके बाद आपको उत्तर पुस्तिका पर पूछे गए विवरण जैसे कि रोल नंबर या फिर ऐसी ही अन्य जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। अधिकांश छात्र तनाव में आकर जल्दबाजी करते हैं, उत्तर पुस्तिका पर आवश्यक जानकारी लिखना भूल जाते हैं, जिसके कारण उन्हें आगे जाकर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें। दूसरा नंबर, प्रत्येक सेक्शन को एक उपयुक्त समय निर्धारित करें। दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, इसीलिए लिखने से पहले प्रत्येक सेक्शन को एक उपयुक्त समय में बांट लें और उसके बाद प्रश्नों को सुनिश्चित करें। जिस समय अंतराल में आप सभी विवरण और आरेखों के साथ उत्तर को पूरा कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो। ऐसा करने से आपके दिए गए समय और समय सीमा के भीतर आप अपना पूरा प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना तनाव के। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सवालों को सबसे पहले प्राथमिकता दें जिनका उत्तर आपको अच्छे से आता है, और उन्हीं सवालों को सबसे पहले हल करें जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है। उसके बाद आप अन्य प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। अब है तीसरा पॉइंट, प्रश्नों के उत्तर को हल करते समय उलझे नहीं। दोस्तों ज्यादातर कई बार एग्जाम हॉल में उत्तर लिखते समय हम किसी प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भूल जाते हैं, जिस कारण हमारा काफी समय उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने में लग जाता है और हम उसके पॉइंट्स को याद करने लग जाते हैं। ऐसे समय में आपको जितना उस प्रश्न का उत्तर याद आता है केवल उतना ही लिखें और दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़े। जब आप सभी प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं तो उस प्रश्न के अंक में आपको काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलती है। ऐसा करने से आपका समय भी बचता है, इसके साथ ही आप अपने बाकी बचे हुए प्रश्नों की ओर बढ़ जाएं एवं उसे हल करें। ऐसा करने से आप अपने सभी प्रश्नों को तनाव मुक्त होकर हल कर सकेंगे और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा पत्र लिखने की रणनीति तैयार करते हुए आप महत्वपूर्ण सूत्रों और समीकरण को सबसे पहले लिख लें, जो आप बाद में उत्तर लिखते समय उपयोग करेंगे। कभी कभी जवाब लिखते समय बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और जब हम जवाब में इस्तेमाल किए गए सटीक सूत्रों या शब्दों को भूल जाते हैं तो हमें बड़ी ही मुश्किल होती है, इसीलिए उसे सबसे पहले लिख लें ताकि आपको आसानी हो। दोस्तों यदि आप बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमने आपके लिए पहले कई सारी वीडियो बनाई है जिनमें की बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण टिप्स, टॉपर कैसे बने और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं। इन सभी वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपके लिए रोजाना स्टडी टिप्स लाते रहते हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां हम रोजाना आपको नए नए स्टडी मटेरियल, सभी प्रकार के नोट्स, रोजाना करंट अफेयर्स एवं जॉब अलर्ट देते रहते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।